हर किसी की एक कहानी होती है, उसका एक सफ़रनामा होता है। आज हमारे साथ हैं संदेश नायक, जो युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, निवाड़ी ज़िले के, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। सफ़रनामे में हम लोग अधिकांश कोशिश करते हैं कि लोगों के जीवन परिचय के बारे में जानें, उनकी उपलब्धियों के बारे में जानें और उनके क्या सिद्धांत हैं और किन को वो मानते हैं। तो आज संदेश नायक जी हैं, उन्हीं से जानकारी करते हैं सभी मुद्दों पर। संदेश जी, स्वागत है। सबसे पहले अपना जीवन परिचय दें आप। नमस्कार भाई साहब, सबसे पहले तो आपको चैनल के लिए बधाई। आपका चैनल नित नए आयाम छूकर बुंदेलखंड में एक अलग पहचान बना रहा है, उसके लिए बधाई। सफ़रनामे की बात की जाए भाई साहब, तो मैं बचपन से हमारा गांव है वार्ड नंबर 13, जो यहां से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे, पृथ्वी पर मैं, हाँ, तो वहाँ हम निवास करते थे। वहाँ से नज़दीक में स्कूल था अल्फोंसा हाई स्कूल, वहाँ तक 10वीं तक पढ़ाई की। 10वीं के बाद लगभग यहाँ के सारे छात्र, यहाँ गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल है, तो 11वीं 12वीं की पढ़ाई वहाँ की। फिर उसके बाद बीए की, आगे एलएलबी में सफ़र जारी है। अगर भाई साहब राजनीति की बात की जाए, तो 2013 में मैं 10वीं की पढ़ाई करता था, तो उस समय मेरा लक्ष्य था कि मैं सरकारी नौकरी में, आर्मी में जाऊं। लेकिन कक्षा 10वीं में स्कूल में चुनाव हुए, तो उस समय मैं स्कूल चुनाव में जीतकर स्कूल लीडर होता था उस समय, स्कूल लीडर का चुनाव जीतकर स्कूल लीडर बना। फिर विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से मैंने छात्र राजनीति की शुरुआत की। उस समय आज हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय विष्णु दत्त शर्मा जी, उनसे प्रेरित होकर जब हम विद्यार्थी परिषद में गए, तो जब हम उनको सुना हमने, तो उनसे हमें एक नई प्रेरणा मिली, तो विद्यार्थी परिषद में काम करने की नई ऊर्जा मिली। विद्यार्थी परिषद में काम किया, सबसे पहले एक छोटे से इकाई, नगर इकाई की नगर उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। उसके बाद विकासखंड सह संयोजक, विकासखंड संयोजक, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, जिले का सह संयोजक, जब टीकमगढ़ जिला लगता था तो टीकमगढ़ जिले का सह संयोजक रहा। छोटी सी उम्र है, तमाम राजनीतिक जिम्मेदारियां आपने उठा ली, क्या अंदर से आप तो नौकरी में जाना चाहते थे, राजनीति में क्यों आ गए? एकदम भाई साहब, जब स्कूल लीडर बना तो एक दिशा चेंज हुई। फिर विद्यार्थी परिषद में काम करते करते पता ही नहीं चला कि काम करते गए और संगठन ने नई जिम्मेवारियाँ देती हैं, काम करने में उत्साह बढ़ता गया। उत्साह बढ़ते बढ़ते विद्यार्थी परिषद दायित्व से मुक्त हुए। उसके बाद युवा मोर्चा में यहाँ उपचुनाव थी, उपचुनाव में प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वैभव पवार जी ने मुझे एक मंडल का प्रभारी बनाया। मंडल का प्रभारी बनाया तो मैंने लगातार महीने भर क्षेत्र में मंडल में जाकर काम किया और नए लोग निकाले, तो वहाँ से युवा मोर्चा में मेरा आना हुआ। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सक्रियता देखते हुए मुझे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष का दायित्व दिया, उसको मैं। नायक जी, आप उम्र में बड़े कम हैं, ऐसा लगता है जैसे उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के युवा मोर्चा के पहले ऐसे जिला अध्यक्ष होंगे जिनकी उम्र सबसे कम हो। लगभग मेरे हिसाब से तो मैं लगभग 23 साल की उम्र से 24 साल की उम्र में जा रहा था, तब जिला अध्यक्ष बन गया था। बल्कि कम उम्र में जिला अध्यक्ष बना दी। आरएसएस को किस तरीके से आप जानते हैं, आरएसएस के बारे में क्या सोचते हैं, आरएसएस की क्या भूमिका है आपके जीवन में? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये हमारे जीने की एक पद्धति है। बचपन में जब मैं देखता था, चाहे मेरा गाँव हो, चाहे, हमें एक ही भावना, समरसता की भावना वहाँ से सीखने को मिलती थी कि हम सब एक हैं, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, हम सब भारतीय हैं और हम सब एक ही माँ के संतान हैं। और चूंकि आप ब्राह्मण समाज में पैदा हुए हैं, तमाम वर्गों में आपने उठना बैठना किया होगा, कितनी समस्याएं आपको फील्ड में आते समय देखी गई, जो जातिगत एक गैप था उसको किस तरीके से आपने कहेंगे भरने का काम किया है? देखिए, मैंने तो कभी अपने आप को बड़ा नहीं माना, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, तो मैं कहीं भी जाऊं तो वही प्रेम से जो मेरी माँ खिलाती हैं मुझे भोजन, अन्य समाज में भी जाता हूँ चाहे कोई भी वर्ग हो, मैं वहाँ भी भोजन उतने ही प्रेम से करता हूँ जितना मैं अपने घर पे करता हूँ। तो मुझे समरसता का भाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सीखने। सर, राजनीतिक गुरु किसको मानते हैं आप? राजनीतिक गुरु, देखिए, राजनीतिक गुरु तो मेरे चाचा जी हैं,
श्री गणेश लाल नायक जी, उनको ही राजनीतिक गुरु मानता हूँ मैं। किनसे प्रेरणा लेते हैं? और प्रेरणा तो मैं नहीं, पूरे देश के कार्यकर्ता जो 24 घंटे भारत देश को अग्रणी बनाने के लिए काम करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेते हैं हम सब कार्यकर्ता। अटल जी की क्या भूमिका है फिर? मोदी जी सब कुछ है तो अटल जी क्या है? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी हम सबके एक आदर्श है। अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल तो मेरी उम्र कम है, मैंने नहीं देखा है, लेकिन जितना मैंने सुना है उस हिसाब से अटल जी हम सबकी प्रेरणा है और पार्टी को खड़ा करने में अटल जी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अटल जी का कालखंड मैंने नहीं देखा है, लेकिन जितना मैंने सुना है उस हिसाब से अटल जी हम सबकी प्रेरणा है और जब तक सूरज चांद रहेगा ऐसा कहते हैं, जब तक अटल जी हम लोगों की प्रेरणा रहेगी। नायक जी, पृथ्वीपुर की अगर हम बात करते हैं, चूंकि पृथ्वीपुर एक कॉन्ट्रोवर्शियल एरिया रहा है, संदेश जी, पृथ्वीपुर में जो कालांतर में घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं के बारे में क्या आप जानते हैं, और जानते हैं तो क्या आपके जीवन में वो महत्व रखती? देखिए, घटनाएं घटी नहीं है, घटनाएं घटाई गई हैं। और बुंदेलखंड के कद्दावर नेता और जिनसे हम सब प्रेरणा लेते हैं पृथ्वीपुर में, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को अपने खून से सींच कर पार्टी को खड़े करने वाले स्वर्गीय सुनील नायक जी की हत्या की गई, ये हम सब कार्यकर्ता भूलेंगे नहीं। सुनील जी को आप कितने करीब से जानते थे, कभी मिले उनसे? सुनील नायक जी हमारे रिश्तेदार हैं, चाचा हैं, और कभी क्या चुनाव में तो लगभग रोज ही मिलना होता था, तब उम्र मेरी बहुत कम थी, कक्षा छठवीं में मैं अध्ययन करता था। यहाँ का सामंतवाद माहौल आपने देखा, यहाँ की गुंडागर्दी आपने महसूस की पृथ्वीपुर की? मैं गुंडागर्दी महसूस नहीं की, गुंडागर्दी देखी है। दिन दहाड़े लोगों के दुकानों से सामान उठा लिया जाता था, दिन दहाड़े लोगों को कब किसकी बेइज्जती हो जाए, ये सब भय का एक माहौल रहता था यहाँ। 2008 के बाद स्वर्गीय श्री सुनील नायक जी की जब हत्या हुई, उनने अपने खून से सींच कर यहाँ पार्टी को खड़ा किया है, और भय का माहौल जिसमें उनकी जान चली गई, इन सबको खत्म करने में स्वर्गीय श्री सुनील नायक जी का विशेष। उनकी पत्नी भी विधायक रही हैं यहाँ से जी। कैसा कार्यकाल रहा, क्या उपलब्धियाँ रही? उनका कार्यकाल बड़ा ही अच्छा रहा है, उन्होंने अनेकों विकास के कार्य किए हैं यहाँ पे। संगठन की क्या भूमिका होती है किसी कहेंगे चुनाव के टाइम पर, और जब चुनने के बाद जब कोई विधायक आता है तो वो कितना बदल जाता है? देखिए, संगठन की भूमिका, चुनाव प्रत्याशी नहीं लड़ता है, मेरा ऐसा मानना है, पार्टी जिसे टिकट देती है उसके बाद हम सब कार्यकर्ता, बूथ के कार्यकर्ता हूँ, चाहे मंडल के टीम हो, चाहे जिले की टीम हो, चाहे कोई भी भारतीय जनता पार्टी से जिम्मेवारी दायित्ववान कार्यकर्ता हो, हम सब निरंतर लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन और रात मेहनत करते हैं, और हर एक कार्यकर्ता बिल्कुल साधारण होकर बूथ पे काम करता है। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व से संतुष्ट हैं कि कोई चेहरा बदलना चाहिए? देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया है और हमारी पार्टी के नेता है, तो संतुष्ट ना होने की तो कोई बात ही नहीं है। आप कह रहे संगठन डिसाइड करता है ना, तो संगठन ने डिसाइड कर लिया कि यही चेहरा होंगे, तो संगठन जो हम लोगों को निर्णय करेगा और हम लोगों को जो पता चलेगा, हम तो अपने संगठन के हिसाब से काम करेंगे। अच्छा, आपके क्षेत्र में कौन सा ऐसा बड़ा काम जो सरकार ने करा दिया हो? मेरे क्षेत्र में अनेकों काम हैं, मैं लगभग यहाँ से जाता था, कभी मोहनगढ़ जाना होता था विद्यार्थी परिषद के काम से, कहीं भी जाना होता था तो रोड नहीं थी, कुछ नहीं था, आज मोहनगढ़ से लेकर पृथ्वीपुर तक एक विशाल रोड का निर्माण किया है, अनेकों काम किए हैं पार्टी ने, अगर गिनाएंगे तो सुबह से शाम तक। अश्रू माता लोक की बात की जा रही है, एक बड़ा धार्मिक स्थल है आपके क्षेत्र का, आप लोग गए कभी? जी, मैं तो लगभग महीने में एक दो बार जाता हूँ वहाँ। कैसा स्थान है अश्रू माता का स्थान? हम सबके लिए अश्रू माता स्थान एक विशेष, हम लोगों के लिए उसकी मान्यता है और बड़ा ही अकल्पनीय स्थान। सुनील नायक को क्या मानते हैं आप? सुनील नायक जी हम सबके आदर्श हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। तुम्हारे मुख्यमंत्री जी, या कहें कि आपके मुख्यमंत्री जी, आज से 2 साल पहले यहाँ मूर्ति स्थापना की बात करके गए थे चौराहे पर, अभी तक नहीं करा पाए। आपके आदर्श स्रोत हैं, आपकी ऊर्जा स्रोत हैं, आप जिलाध्यक्ष हैं वहाँ मोर्चा के, कभी विरोध नहीं कर पाए, आवाज नहीं उठा पाए? नहीं, स्वर्गीय श्री सुनील नायक जी की मूर्ति की जब मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, तो मैंने ही और मेरे भाई ने, हम लोगों ने ही बड़ा प्रयास किया था उसके लिए,
और स्वर्गीय श्री सुनील नायक जी की मूर्ति लगना चाहिए। कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं ना लगे, कुछ लोग, लेकिन स्वर्गीय श्री सुनील नायक युवाओं में तो जोश होता है, युवा जहाँ खड़ा हो जाता है माहौल उसी तरफ बढ़ जाता है। और फिर आप लोग विद्यार्थी परिषद के लोग हैं तो वैसे ही आप सब जानते हैं कि कैसे माहौल अपनी तरफ खींचा जाता है। चुनाव के पहले लग जाएगी मूर्ति के नहीं लग पाएगी? लग जाएगी चुनाव के पहले, काम चालू है मूर्ति का। कोई आखिरी कोई अगर कविता आती हो, कोई शेर शायरी आती हो तो सुना सकते हैं? कविता तो आती है, सीख भी लेता हूँ। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो चला ए भी भला वो भी भला। अटल जी याद आ गए, अटल जी तो प्रेरणा स्रोत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नायक जी थे हमारे साथ सफरनामे में और बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने अपना प्रकाश डाला है। ऐसे किसी ने शख्स के साथ फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया।